गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आज है 27 जून, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 27 जून के करंट अफेयर। और सबसे पहले हम जैसा कि अब मॉर्निंग का थॉट देखते हैं, मॉर्निंग के थॉट के बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को याद करते हुए, उनका एक कथन है। उनका कथन था कि हमें जीवन में कभी किसी से हार नहीं माननी चाहिए और समस्या को हमें हराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यानी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उससे हार मानकर बैठना नहीं है। और अगर समस्या हमें हरा दे तो हमारे मानव होने का फिर जो महत्व है वो क्या रह जाता है। तो यानी समस्याओं के आगे डट कर खड़े रहिए, समस्याएं एक दिन आएंगी, प्रॉब्लम्स आती हैं और चली जाती हैं, उस फेज से गुजरने का हौसला होना चाहिए हमारे अंदर। तो हमें हारना नहीं है, लड़ना है और लड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं, शत शत नमन करते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होते हुए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, अभी जो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस, यानी कि इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 27 जून को मनाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो अप्रैल 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन को मनाने के बारे में बात करी गई थी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, देखो, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं, स्पेशली किसी भी देश के, एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि उसकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसके लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन का काम करते हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस उद्योग की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 27 जून को ये डे मनाने के बारे में बात की गई थी। तो हम इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस डे कब मना रहे हैं, तो 27 जून को मना रहे हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, देखो, इसका क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं तो इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ओके, तो देखो, अगर माइक्रो के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट होती है 1 करोड़ रुपए की, और इसका टर्नओवर कितना आता है, तो 50 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर होता है। स्मॉल के बारे में बात करेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 10 करोड़ की हमें दिखती है, और टर्नओवर कितने का दिख रहा है, 50 करोड़ रुपीज़ का दिख रहा है। मीडियम के बारे में बात करें तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, तो 20 करोड़ रुपीज़ का है, और टर्नओवर यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज़ का आता है। तो इस तरीके से हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं उनके बारे में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, देखिए, जो MSMEs हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बताते हुए क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कहना है कि लगभग जितने भी फर्म है उसमें 90% हिस्सेदारी MSMEs की होती है, जितने भी रोजगार मिलते हैं उसमें 70% हिस्सेदारी MSMEs की है, और जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है ना, उसमें 50% हिस्सेदारी किसी भी देश में MSMEs की होती है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके से एक मेरुदंड के रूप में, एक एक रीढ़ की हड्डी के रूप में किसी भी देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके लिए काम करता है MSMEs। ओके, क्लियर है? देखिए, अगर भारतीय इकोनॉमी के विषय में बात कर रहे हैं हम, और भारतीय इकोनॉमी को अगर हम समझना चाहते हैं तो उसमें MSMEs की भूमिका को, उसके रोल को समझना चाहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 30% योगदान है हमारे देश के जो MSMEs हैं उनका, ठीक है। और निर्यात में, जो भारत से जो भी चीज़ें निर्यात होती हैं उसमें 48% का योगदान है MSMEs का, और लगभग 110 मिलियन लोग MSMEs से जुड़े हुए हैं, उसमें काम करते हैं, और MSMEs की वजह से उनका घर चल रहा है। तो अगर हम, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी जो MSMEs हैं वो एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हैं भारतीय इकोनॉमी के लिए, ठीक है। और साथ में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है MSMEs के ऊपर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, देखो, MSMEs को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कुछ योजनाएं चलाई गई हैं भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उस योजनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेंगे ताकि हमें पता हो कि ये योजनाएं MSMEs से जुड़ी हुई हैं। देखो, सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक चलाया गया था,
जिसके तहत जो ग्रामीण जो युवा हैं स्पेशली उनको एमएसएमईज के तहत रोजगार देने के बारे में बात की गई थी। और इसके लिए जो एमएसएमईज हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी प्रदान की गई थी। ठीक है, इसके अलावा पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना, यानी जो पारंपरिक उद्योग हैं, जो ट्रेडिशनल उद्योग हैं, जैसे जैसे कि हथकरघा का उद्योग था, मोमबत्ती बनाना था, इस तरीके के जो पारंपरिक उद्योग थे जो किसी वजह से समाप्त हो गए थे, जैसे खादी का उद्योग है ना, तो उनको किस तरीके से मेन ट्रैक पर लाया जाए, किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्या सुधार के प्रोसेस हैं, इन सब के लिए, इन उद्योगों के विकास के लिए ये योजना चलाई गई थी, जिसका नाम है पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना। इसके बाद नेक्स्ट आता है नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना, यानी स्पेशली जो नए विचार हैं उसके लिए एमएसएमई के ऊपर फोकस किया गया, जो ग्रामीण उद्योग हैं उसके उसको बढ़ाने के लिए, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एंटरप्रेन्योर है, नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उसमें भी आप देखेंगे तो इस जो एमएसएमईज हैं उनका रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जो फंड है उसकी व्यवस्था करना, उसके लिए जो भी कंडीशंस हैं उसको उसको फुलफिल करना गवर्नमेंट का काम है। तो इस तरीके से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो भारतीय गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। ओके, देखिए अगर कोई भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है तो उसके उत्थान के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, अगर वो बैंकों से लोन लेता है, बैंकों से ऋण ले रहा है, तो बैंक भी उसे सब्सिडी देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो जो भी सब्सिडी है वो बैंक के साथ साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके माध्यम से एमएसएमई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा सके, ग्रामीण स्तर पर भी और शहरी स्तर पर भी। ओके, देखिए यहाँ पर एक पोर्टल के बारे में भी मैं बात करूंगी। पोर्टल का नाम है चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से अगर एमएसएमई को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, कोई भी शिकायत है, कोई भी दिक्कत है, तो इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमईज अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं और इसको डायरेक्ट जो सेंट्रल मिनिस्टर जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, ठीक है, और जो राज्य सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं वो तत्काल इस पे कार्यवाही करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर बात कर ली चैंपियंस पोर्टल के बारे में। ओके, नेक्स्ट आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जो मिस्र की यात्रा पर गए थे 25 जून को। वहां पर इनको ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मिस्र के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, ये जो सम्मान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है 25 जून को। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा, वहां पर राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, और जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो अब्देल फतह अल सीसी। क्या नाम है? अब्देल फतह अल सीसी। इनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को ये जो अवार्ड है ये दिया गया है, ये जो सम्मान है ये दिया गया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द नाइल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1915 में, स्पेशली मिस्र के द्वारा स्थापना करी गई थी इसकी। जो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए जो राजकुमार हैं या उपराष्ट्रपति हैं ये उनको दिया जाता है, जो स्पेशली मानवता के लिए अपना काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस बार का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिस्र का मिला है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये कौन से नंबर का है? तो ये 13 नंबर का सम्मान था जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, जैसा कि हम सबको पता है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस साल, ठीक है, तो सितंबर में जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम अब्देल फतह अल सीसी है इनको आमंत्रित भी किया है। क्लियर हो गई? तो हमने बात कर ली यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द नाइल के बारे में। ओके, अच्छा देखो पिछले 9 सालों में, यानी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं, तब से इनको कई सारे सम्मान मिल चुके हैं अलग अलग देशों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर एक लिस्ट मैंने दी है, इस लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से सम्मान इनको मिल चुके हैं अभी तक। यहाँ पर भी देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, ओके, क्लियर हो गई बात। आइए बात करते हैं मिस्र के की एक मस्जिद है जिसका नाम है अल हकीम मस्जिद।
अगर मिस्र के बारे में बात करूं तो जैसा कि मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा, ठीक है, तो वहां पर एक मस्जिद है, काहिरा में एक मस्जिद है जिसका जिसका नाम है अल हकीम मस्जिद। कहा जाता है कि मिस्र की चौथे सबसे पुरानी मस्जिद है ये, और लगभग 11वीं सदी में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी यात्रा पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे इसको देखने के लिए, ठीक है। आइए अब मिस्र के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मिस्र कहाँ है? तो मिस्र, जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जब आप मैप देखोगे तो इस कॉन्टिनेंट में बिल्कुल नॉर्थ में आपको मिस्र देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो गीजा के पिरामिड है ये बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम जानते हैं। और गीजा के पिरामिड के बारे में बात करें तो ये नील नदी का जो तट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो लगभग 2560 ईसा पूर्व इसका जो टाइम पीरियड है वो है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा है, और राष्ट्रपति के बारे में हमने बात कर ली, अब्देल फता अल सीसी है, और मुद्रा यहाँ पर मिस्र पाउंड चलती है। क्लियर हो गई बात? देखो, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्राओं पर होते हैं तो वो मस्जिद भ्रमण करते हैं। अगर कोई भी जो देश है वहां पर मस्जिद है, कुछ ऐसा है जो ऐतिहासिक है, जैसे कि इंडोनेशिया का जो जकार्ता है वहां पर इस्तिकलाल मस्जिद है, उसका भी दौरा इन्होंने किया था। सिंगापुर में चूलिया मस्जिद है, उसका दौरा इनके द्वारा किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात में शेख जायद मस्जिद है, इसका इनके द्वारा दौरा किया गया था। और मस्कट में सुल्तान काबूस मस्जिद है, जिसका इन्होंने दौरा किया था। तो ये कुछ ऐसे इनके विदेशी दौरे थे जिसके तहत इन्होंने ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध जो मस्जिद है इनके दौरे भी किए हुए हैं। ओके, क्लियर हो गई बात? आइए बात करते हैं भारतीय गायक और संगीतकार शंकर महादेवन जी के बारे में। तो शंकर महादेवन जी को ब्रिटेन का या इंग्लैंड का जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके द्वारा इनको डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो प्रदान करी गई है। यहाँ के जो कुलपति हैं प्रोफेसर फिलिप प्लानेट, इनके द्वारा, प्रोफेसर फिलिप प्लानेट के द्वारा ये उपाधि दी गई है। शंकर महादेवन जी के बारे में बात करें तो भारत के संगीतकार हैं, गायक हैं, और इनकी उम्र कितनी है, तो 56 ईयर इनकी उम्र है। आइए यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं, इसके मैप को देखते हैं, और यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर फ्रेम होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये फ्रेम किया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम कितने देशों से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं, चार देशों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड, और साथ में वेल्स के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं, जिसकी राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, और यहाँ के सम्राट कौन है, तो चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट है, और चार्ल्स तृतीय ही ऑस्ट्रेलिया के भी सम्राट है, जिसके बारे में हमने ये चीज पढ़ी थी। ओके, तो हमने बात कर ली यहाँ पर भारत के गायक और संगीतकार शंकर महादेवन जी के बारे में। ओके, देखिए, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो 25 जून को ट्यूनिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 25 जून को ट्यूनिस में हुआ था वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट। तो ये जो टूर्नामेंट है वो भारत की महिला युगल जोड़ी है, जिनका नाम है सुतीर्था मुखर्जी और यहिका मुखर्जी, इन दोनों ने जीत लिया है। समझ में बात आ गई? अच्छा, इन दोनों ने किसे परास्त किया, किसे हराया? तो इन्होंने जापानी जोड़ी जिनका नाम है म्यू की हारा और मीवा हरिमोटो, इनको हरा कर जो ट्यूनिस में वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है इसको जीत लिया है। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली सुतीर्था मुखर्जी और यहिका मुखर्जी के बारे में, जिन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस का जो टूर्नामेंट है वो जीत लिया है। ओके, अच्छा, देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके तहत काम करता है REC लिमिटेड। ओके, तो REC लिमिटेड ने ये बोला है कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को वो 3,045 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। 3,045 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा REC लिमिटेड के द्वारा बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, जो जो भारत का यूनियन पावर मिनिस्ट्री है उसके तहत काम करता है। ये क्यों किया जा रहा है? तो ये इसलिए किया जा रहा है कि बेंगलुरु मेट्रो का जो सेकंड फेज का डेवलपमेंट है वो किया जा सके। इसके तहत नम्मा मेट्रो का फेज 2 प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, यानी जो नम्मा मेट्रो है उसका विकास किया जाएगा और उसके लिए फेज 2 चलाया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के तहत ईस्ट से लेकर वेस्ट कॉरिडोर और साउथ से लेकर नॉर्थ तक का जो कॉरिडोर है उसका विकास किया जाएगा,
और साथ में ही दो नई लाइनें भी बिछाई जाएंगी। ये दो नई लाइनें क्या है देख लेते हैं। तो आरवी रोड से बुम्मा संद्रा तक और कलेना अग्रहारा से नागवारा तक की जो दो नई लाइनें हैं वो भी बिछाने की बात की गई है इस परियोजना में। ओके, तो यहाँ पर हमने बात कर ली बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको 3,045 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? आरईसी लिमिटेड के द्वारा, जो यूनियन जो एनर्जी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करता है। ओके, आरईसी लिमिटेड के बारे में बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो भारत का यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके तहत काम करता है। स्पेशली ये नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, यानी ऊर्जा को प्रदान करने का काम करता है, बिजली के आपूर्ति का काम करता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आइए बात करते हैं एक दूसरी योजना के बारे में। और एक यहाँ पर भी एक ऋण दिया गया है, वो ऋण क्या है देख लेते हैं। तो देखो, जैसा कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो कौन है? तो बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो सरकार है उसको एडीबी के द्वारा, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 400 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया जाएगा। कि क्यों किया जा रहा है ऋण प्रदान? इसलिए किया जा रहा है कि वहां पर चट्टोगाम और कॉक्स बाजार के बीच में दोहरी गेज रेलवे का निर्माण हो सके, यानी जो रेल लाइनें हैं दोहरी गेज रेल लाइनों का निर्माण किया जा सके चट्टोगांव और कॉक्स बाजार के बीच में बांग्लादेश में। इसलिए जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है उसने 400 मिलियन डॉलर का जो ऋण है वो प्रदान किया है बांग्लादेश को। अच्छा, मैं आपको बता दूं तो कि टोटल जो एडीबी के द्वारा पैसा दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, जो आर्थिक सहयोग है वो कितना दिया जाएगा? तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण का जो पैकेज है वो दिया जाएगा। और अभी जो दिया गया है वो सिर्फ तीसरा हिस्सा है, यानी 400 मिलियन जो डॉलर है वो सिर्फ तीसरा हिस्सा दिया गया है इस पर्टिकुलर जो ऋण दिया जाएगा उसका। यानी 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण का जो पैकेज है उसका तीसरा हिस्सा 400 मिलियन डॉलर है जो अभी दिया गया है एडीबी के द्वारा बांग्लादेश की सरकार को चट्टोग्राम और कॉक्स बाजार के बीच में दोहरी रेलवे गेज लाइन के निर्माण के लिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि जो बांग्लादेश है वहां पर सड़कों का विस्तार होगा, परिवहन के साधनों का विकास होगा, रेलवे का विकास होगा, और इससे जो आवागमन है, व्यापार है, इसकी भी सुविधाएं वहां पर बढ़ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो टूरिस्ट है उसको भी बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की एक इनिशिएटिव है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव ये है कि ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क नेटवर्क इनिशिएटिव का नाम क्या है? ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क, यानी एशिया और यूरोप के बीच में ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क को बढ़ावा देना एक इनिशिएटिव है संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। यानी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है एशिया और यूरोप के लोगों के बीच में, और इस रेल संपर्क को बढ़ाने के लिए भी जो संयुक्त राष्ट्र है वो काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली यहाँ पर एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ओके, एडीबी के बारे में बात करते हुए, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है एशियाई विकास बैंक, यानी स्पेशली ये जो ये एशिया का देश है उसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए काम करता है। उनका जो भी जिस भी तरीके से अगर उनको किसी भी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ऋण की जरूरत है, तो वो मुहैया कराने का काम एशियाई विकास बैंक करता है। एशिया के साथ साथ में ये प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उसके लिए भी काम करता है, ठीक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, यानी उनके इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1963 में इसकी स्थापना करी गई थी, 1963 में इसकी स्थापना करी गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसमें 68 इसके जो सदस्य देश हैं, जिसमें से 49 जो देश हैं वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, और 19 जो देश हैं वो बाहर से आए हुए हैं या बाहर से मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर शेयर के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा शेयर किसका है? जापान का है। इसीलिए हर समय इसका जो अध्यक्ष होता है एडीबी बैंक का, वो जापान का ही कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो इस बार भी जो एडीबी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? जापान से रिलेट करते हैं, जिनका नाम है मासात्सुगु अस्कावा। क्या नाम है? मासात्सुगु अस्कावा। अच्छा, इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में जो मोंडुलुग्यान शहर है वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलीपींस का मनीला और वहां पर मोंडुलुग्यान जो सिटी है वहां पर इसका मुख्यालय देखने को आपको मिल जाएगा एडीबी बैंक का।
क्लियर हो गई बात। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, आसाम में नुमालीगढ़ है और गोहपुर है, ठीक है। तो आसाम के गोहपुर और नुमाली के बीच में पानी के अंदर एक सुरंग बनाने के बारे में बात की गई है, और ये जो पानी की सुरंग बनाई जाएगी वो ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है उसके नीचे बनाई जाएगी। अब इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो आवागमन के साधन है वो बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में जाती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम से होते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसके लिए एक परियोजना चलाया जाएगा, जब ये सुरंग बनेगी तो परियोजना चलाया जाएगा, और परियोजना में जो लागत आएगी वो कितनी आएगी, तो 6,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ऐसी बात कही गई है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के द्वारा, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे मंजूरी ले ली गई है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो हमने बात कर ली आसाम में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में जो पानी में टनल बनाया जा रहा है, अंडर वाटर टनल बनाया जा रहा है उसके बारे में। ओके, असम के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें से आसाम एक है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा जी हैं। जो राज्यपाल हैं कौन है, तो गुलाब चंद्र कटारिया है। जिलों की संख्या 33 है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। और टोटल भारत के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में बात करूं तो लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में हमें देखने को मिल जाएंगे। लोकसभा में जो सीटें यहाँ से जाती हैं, 14 सीटें यहाँ से जाती हैं। राज्यसभा के लिए यहाँ से 7 सीटें जाती हैं। राज्य पशु भारतीय गैंडा है। राज्य पक्षी यहाँ पर सफेद पंखों वाली बत्तख हमें देखने को मिलेगी। और सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस स्टेट से जरूर पूछा जाता है, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो हमें रटा होना चाहिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सैखेवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो हमें पता होने चाहिए कि ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो आसाम में हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। अच्छा देखो, ओशन रिंग ऑफ योगा की जो थीम है वो भारतीय नौसेना के द्वारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के ऊपर। और इसके बारे में हमने पढ़ा भी था कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ओशन रिंग ऑफ योगा के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट करेगी। इसके लिए जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर जो भारतीय नेवी से रिलेटेड जो जहाज हैं वो जाएंगे, और वहाँ पर कुछ प्रोग्राम कुछ पहले पहले की जाएंगे, कुछ प्रोग्राम किए जाएंगे। तो इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो देखियो देखो, जो INS सुनैना है, भारतीय नौसेना से रिलेट करता है INS सुनैना, वो कहाँ पर गया, केन्या के मोम्बासा का दौरा किया उसने, केन्या के मोम्बासा का दौरा किया। और जब दौरा किया गया तो वहाँ के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जो थे YS आबदी के साथ INS सुनैना के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने बैठक करी और योगा के महत्व को बताया और साथ में योगा भी किया था, ठीक है। और दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय जो एक समुद्री सीमाएं हैं या जो समुद्री सीख है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। ओके, क्लियर हो गई बात। तो हमने यहाँ पर बात कर ली ओशन रिंग ऑफ योगा की थीम के तहत समुद्री पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से। जो INS सुनैना है वो कहाँ पहुंचा, केन्या के मोम्बासा में पहुंचा है, केन्या के मोम्बासा का उसने दौरा किया है। ओके, देखिए यहाँ पर एक स्मारक के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो चेन्नई के मरीन बीच पर बनाने के बारे में बात की गई है। इस स्मारक का नाम क्या है, तो स्मारक का नाम है मुथमिज अरिगनार डॉक्टर कैलेगनार पेन स्मारक, ठीक है। तमिलनाडु की सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया था, कब, 2022 में इसकी घोषणा करी थी। प्रस्ताव दिया था किसको, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को, है ना। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है इस स्मारक को बनाने के लिए। मंजूरी किस पर दी गई है, किसकी सिफारिशों पर दी गई है वो भी देख लेते हैं। तो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और साथ में तमिलनाडु तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, इसके सिफारिशों के आधार पर तमिलनाडु का जो PWD है यानी जो लोक निर्माण विभाग है उसको मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कि आप ये स्मारक बना सकते हैं मरीन बीच पर चेन्नई में, ठीक है। अब देखो, अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर कैलेगनार पेन स्मारक क्या है।
स्पेशली मैं बताऊं तो ये स्मारक तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम करुणानिधि को समर्पित है। यानी जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर एम करुणानिधि जो थे, उनको याद करने के लिए स्मारक बनाया जाएगा। अच्छा, इनका नाम डॉक्टर कैलगनार, इनको इनको डॉक्टर कैलगनार के नाम से हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? कैलगनार का मतलब होता है कलाकार। क्या मतलब होता है? कलाकार। कलाकार इनको इससे कहा जाता था क्योंकि ये लेखक भी थे, कवि भी थे, वक्ता भी थे। अगर उपन्यास में या साहित्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो 100 से अधिक इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है। और इन पुस्तकों में आपको नॉवेल्स भी मिल जाएंगे, लघु कथाएं भी हैं, जीवनियां भी हैं, निबंध भी है और संस्मरण भी है। तो इस तरीके से तमिल साहित्य और संस्कृति को बताने के लिए, उनकी राजनीतिक विरासत को दिखाने के लिए राजनीति में और साहित्य में, और तमिलनाडु की जो संस्कृति है उसमें इनका क्या योगदान है, इसको दिखाने के लिए, बताने के लिए ये स्मारक बनाया जाएगा जिसका नाम है डॉक्टर कलैगनार पेन स्मारक। ओके, क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली मरीन बीच पर चेन्नई में, जो बंगाल की खाड़ी में मुथमिज अरिगनार डॉक्टर कैलगनार पेन स्मारक बनेगा, उसके बारे में। ओके, आइए बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना क्या कर रही है? भारतीय वायुसेना ने एक अभ्यास स्टार्ट किया है जिसका नाम है रण विजय अभ्यास। क्या नाम है? रण विजय अभ्यास। इस अभ्यास के माध्यम से युद्ध के समय किस तरीके से भारतीय वायुसेना डट कर मुकाबला करेगी अपने दुश्मनों का, किस तरीके से जो है अपने जो उसके हथियार हैं उसका इस्तेमाल करेगी, जो लड़ाकू विमान है उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करेगी, इसके बेस पर ये युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसका नाम रखा गया है रणविजय अभ्यास। और इसमें मैं आपको बताऊं, SU-30, SU-30 जैसे लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है जिससे कि प्रैक्टिस हो सके भारतीय वायुसेना से रिलेटेड जो सेना है उसकी, ठीक है। अच्छा, ये जो अभ्यास है वो 16 जून से 23 जून तक चला है। कहाँ पर? यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। 16 जून से लेकर 23 जून तक चला। कहाँ चला? यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये अभ्यास कराया गया है। ओके, तो हमने बात कर ली किसके बारे में? रण विजय अभ्यास के बारे में, जो भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया है, और इसमें SU-30 जो लड़ाकू विमान है इसको भी शामिल किया गया है। ओके, आइए बात करते हैं ग्रीस के बारे में। देखो, ग्रीस में अभी जो है चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेसी पार्टी जो चुनाव है वो जीत गई है। ग्रीस में चुनाव हुआ है, एक पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ है, और इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो न्यू डेमोक्रेसी पार्टी है वो जीत गई है। और अब प्रधानमंत्री के रूप में कौन आएंगे? तो प्रधानमंत्री के रूप में क्यारी कोस मित्सोटाकिस फिर से 4 साल के कार्यकाल के लिए आएंगे। यानी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है आप देख सकते हैं 4 साल के लिए होता है। तो 4 साल के कार्यकाल को इन्होंने सुरक्षित कर लिया है। और प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनकर आएंगे? तो क्यारी कोस मित्सोटाकिस यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, कहाँ के? ग्रीस के। क्लियर हो गई बात? तो हमने बात कर ली ग्रीस के बारे में, जहाँ के रूढ़िवादी न्यू डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसने चुनाव जीत लिया है। पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुआ है उसको जीत लिया है। ग्रीस के बारे में आओ जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब आप ग्रीस को देखना अगर चाहते हो तो यूरोप के मैप में आपको ग्रीस देखने को मिल जाएगा। जो बालकन प्रायद्वीप है वहां पर आपको ग्रीस देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी एथेंस है, मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। प्रधानमंत्री क्यारी कोस मित्सोटाकिस, और राष्ट्रपति कौन है? तो कतेरीना एन सकेला रो पोलू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नाम बहुत टफ है, ठीक है। बालकन द्वीप पर, जो बालकन प्रायद्वीप है वहां पर ग्रीस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। 22 जून को उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने 22 जून को। इसके तहत क्या किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो इसके तहत मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में बात की गई है। यानी मुफ्त जो कानूनी सहायता है वो प्रदान किया जाएगा उत्तर प्रदेश के लोगों को। इसमें आप देख सकते हैं तो सभी सत्र, विशेष, मजिस्ट्रेट और कार्यकारी जो अदालतें हैं उसके जो भी उसका जो भी खर्च आता है ना, तो वो
वो उन व्यक्तियों के लिए मुफ्त होगा जो इस तरीके के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी एक तरीके से उनको कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान की जाएंगी उत्तर प्रदेश की जनता को। क्लियर हो गया? और साथ साथ में सेवा के साथ साथ में, सहायता के साथ साथ में उनको मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा कि वो किस तरीके से कानूनी सहायता ले सकते हैं, लीगल किस तरीके से एडवाइस ले सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये कितने दिन के लिए चलाया गया है? तो ये प्रोग्राम चलाया गया है 2 साल के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमने बात कर ली जो यूपी गवर्नमेंट है उसके बारे में, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली स्टार्ट किया गया है जो 2 साल के लिए चलाई गई है। अच्छा देखो, अब ये जो आपराधिक मामलों की अपील करी जाएगी तो इसके तहत भी सहायता दी जाएगी, स्पेशली जो SC ST हैं उनके प्रति अगर कुछ अत्याचार हुआ है तो वो इसी स्कीम से सहायता ले सकते हैं। गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी के बाद या जमानत मुकदमा, यानी किसी भी कोई भी फेज हो उसमें ये सहायता प्रदान करी जाएगी। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के माध्यम से अपील की जा सकती है। ठीक है, अच्छा साथ में ही जो औद्योगिक श्रमिक हैं यानी जो मजदूर हैं उद्योगों में काम कर रहे हैं, किसी भी वजह से, किसी भी आपदा की वजह से वो अपना नुकसान झेल चुके हैं, शरीर का कोई अंग उनका खराब हो गया है या मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी सहायता प्रदान करी जाएगी कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के तहत, यानी लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम के तहत। ओके, क्लियर हो गई बात? उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जब आप मैप देखना चाहोगे, भारत का मैप देखोगे तो उसके भारत के मैप में उत्तर में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जा रहा है। 240 मिलियन से अधिक आबादी है, यानी भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है ये। इसकी स्थापना 1950 में करी गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लखनऊ यहाँ की राजधानी है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राज्यसभा में यहाँ से 31 सीटें जाती हैं और लोकसभा में यहाँ से 80 सीटें जाती हैं। क्लियर होगी? तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ में, नए विचारों के साथ में, नए न्यूज़ के साथ में। टेलीग्राम के लिंक पर हमारा जो कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।